भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा कांकेर जिले के कार्यक्रम में की गई घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी तो यहां बिहार जैसे जाति जनगणना कराएंगे, पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ये बताए कि 60-65 साल तक केंद्र में आपकी सरकार थी, तब जाति जनगणना क्यों नहीं करवाई? क्योंकि पिछली जाति जनगणना 1931 में हुई थी। अभी जो 2023 जनवरी में जनगणना कराई और मुख्यमंत्री कहते हैं कि जाति जनगणना कराकर हमने अपनी पास रख ली। क्यों अपनी पास रख ली, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? प्रियंका गांधी जी बोलती है कि अगर हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा आती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मैं प्रियंका गांधी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब जो केंद्र में आपकी सरकार रही 60-65 साल, आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? क्योंकि पिछली जातिगत जनगणना जो हुई थी वो 1931 में हुई थी, और अभी जो 2023 जनवरी में क्वांटिफाइबल डाटा के हिसाब से जातिगत जनगणना आपने करवाई है, और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि वो जातिगत जनगणना करा के हमने अपने पास रख ली। आपके लिए क्यों क्यों सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, और आप उसके लिए क्यों बोल रहे हैं कि ये उसके बाद ही विकास होगा? विकास का या जाति का एक ही धर्म होता है, एक ही सबसे बड़ी जो जो जाति है वो है गरीबी, और सबसे बड़ी आबादी भी जो है वो है गरीबी। और एक बात बता दूं कि 2009 में ओबीसी वर्ग ने 22% भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था, मत दिया था, लेकिन 2019 में ओबीसी वर्ग ने 44% अपना मतदान दिया था।